बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में इंग्लिश के पेपर में सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा था ऑब्जेक्टिव पार्ट, क्वेश्चन नंबर वन। इसमें फोर पार्ट्स होते हैं, ए, बी, सी और डी। ऑब्जेक्टिव पार्ट हमारा 19 मार्क्स का है, जबकि जो बाकी पेपर है वो 56 मार्क्स का है। इस तरह टोटल हमारा जो इंग्लिश का पेपर है वो 75 मार्क्स का बनता है। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ स्पेलिंग। फॉर एग्जांपल आपके पास चार ऑप्शन आएगी, पोएम की स्पेलिंग है पोएम ए, बी, सी, डी। अब इसमें जो पोएम के करेक्ट स्पेलिंग है वो है पी ओ ई एम, इसको हमने सर्कल कर दिया, इसकी फिलिंग कर दी मार्कर, ये करेक्ट हो गया। नंबर टू है वर्ज, वी ई आर जी ई, वर्ज, यहाँ पे आएगा ए में, ये स्पेलिंग ठीक है, जबकि बाकी तीनों स्पेलिंग रॉन्ग है। ये क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में से आएगा, जो क्वेश्चन आंसर आप याद करेंगे या ट्रांसलेशन रीडिंग करते हैं या इसमें रीडिंग नोट्स हैं उसमें उन्होंने वर्ड्स लिए हुए हैं उसके स्पेलिंग याद करने से ही पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है। बी ऑप्शन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये इंग्लिश बी का क्वेश्चन है, ये हमें मिलता है पीडीपी ग्रामर जो मैं अभी पहले लेक्चर में आपको दिखा चुका हूँ उसमें से पेज 164। इसकी कुल 6 एक्सरसाइज है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 एक्सरसाइज में किसी में 10 सेंटेंसेस हैं, किसी में 15 है, मोस्टली इतने जो है 18 सेंटेंसेस ये जुमले बनते हैं। उसी में से स्कीम के मुताबिक ये पेपर में आपको एक क्वेश्चन आएगा। हमारे पास एग्जाम्पल थी, शी लव हर कैट वेरी मच, वो अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करती है। लव, लविंग, लव्स या लव, लव्स इसमें इसको हमने जो है सर्कल कर दिया। नेक्स्ट इसी तरह आगे भी होंगे 2 3 4। नेक्स्ट वाले सी वाला पार्ट, सी ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। ये वाला क्वेश्चन हमें आया था जो हमारी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज है, इंग्लिश ए के पेपर की चैप्टर वाइज एक्सरसाइज है, उसी में से एग्जाम्पल और जी के सेंटेंस में से ही आएगा। पहला सेंटेंस है, इशफाक अहमद इशफाक वाज अ डैश राइटर। इशफाक अहमद इशफाक वाज अ फेमस राइटर, वो एक मशहूर मुसन्निफ है, ये इसकी क्वेश्चन है। नंबर टू में द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप, इसमें उसने पूछा ये गियर अप का टेंस अंडरलाइन किया, इसका मीनिंग टाइम तैयार होना, साइलेंट खामोश रेडी तैयार, इसका जो इसका सॉल्यूशन है वो है रेडी। ये भी टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है उन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको आएगा। लास्ट है हमारा डी पार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ये ग्रामर के मुताबिक जिसको सॉल्व करना होगा, और ये भी जो है कुछ इसमें पार्ट्स ऑफ से पेज है, कुछ टेंसेस इसमें आ जाएंगे। ज़्यादातर इसमें जो है वो आपकी इंग्लिश ए की बुक टेक्स्ट बुक है उसी की एक्सरसाइज तैयार करने से ही क्वेश्चन भी आपके दोनों आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसमें स्पेशली रिव्यू एक्सरसाइज दी गई हैं, जो फोर चैप्टर के बाद फोर चैप्टर को मिला के रिव्यू एक्सरसाइज बनाई गई हैं, वो तीन बनती हैं क्योंकि टोटल चैप्टर्स हमारे 12 हैं। हर चार एक्सरसाइज के बाद रिव्यू एक्सरसाइज मिलेगी, उसमें आपको इनका सारे का सारा जो है डाटा मिल जाएगा, वही प्रिपेयर करें आपका क्वेश्चन ये आपका रेडी हो जाएगा। ये लास्ट में ग्रामेटिकली कहता है वेदर इज एन और एन डैश नाउन, वेदर कौन सा नाउन है, मटेरियल, काउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट या कंक्रीट, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर टू, साकिब इज लिविंग डैश फ्राइडे, इसकी ऑप्शन जो है लिविंग ऑन फ्राइडे, इसका भी टेक्स्ट बुक में से ही एक्सरसाइज में इसका सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये पेपर हमारा था ऑब्जेक्टिव जो कि 90 मार्क्स का है, बाकी सब्जेक्टिव जो होगा वो 56 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन और, ये लेटर्स रहे थे इसका पेज नंबर 18, पीडीपी ग्रामर से ही आपको मिलेंगे 15 लेटर, इसी बुक से प्रिपेयर करने हैं, किसी दूसरी की बुक या हेल्पिंग बुक वाला गाइड से आपको प्रिपेयर नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।